हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं प्रॉस्परस का मतलब, उसकी प्रोनाउंसिएशन और साथ में देखेंगे कि प्रॉस्परस वर्ड का हमें सेंटेंस में यूज कैसे करना है। वीडियो के एंड में बताया गया है कि प्रॉस्परस वर्ड के सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं और एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्रॉस्परस की प्रोनाउंसिएशन है PROS, PROS, PER, PER, OUS, US, PROSPEROUS, PROSPEROUS, PROSPEROUS का मतलब होता है रिच एंड सक्सेसफुल, बहुत अमीर और सफल होने को हम PROSPEROUS कहते हैं। सक्सेसफुल यूजुअली बाय अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, जब कोई व्यक्ति सफल है आमतौर पर बहुत सारा पैसा कमाकर तब हम उसे प्रॉस्परस कहेंगे। तो आइए कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं विद प्रॉस्परस। न्यूयॉर्क इज अ प्रॉस्परस सिटी। न्यूयॉर्क इज अ प्रॉस्परस सिटी। न्यूयॉर्क एक समृद्ध शहर है। हिज स्टेपफादर रैन अ प्रॉस्परस पेंट बिजनेस। हिज स्टेपफादर रैन अ प्रॉस्परस पेंट बिजनेस। उनके सौतेले पिता एक समृद्ध पेंट व्यवसाय चलाते थे। He is a prosperous American businessman. He is a prosperous American businessman. वह एक समृद्ध अमेरिकी व्यवसायी है। May you be happy and prosperous. May you be happy and prosperous. आप सुखी और समृद्ध रहें। तो सिंपल शब्दों में प्रॉस्परस का मतलब होता है सुखी होना, धन्य होना, संपन्न, सफल या समृद्ध होना, बहुत सौभाग्यशाली और खुशहाल होने को हम प्रॉस्परस कहते हैं। तो आइए अब हम प्रॉस्परस के सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स देख लेते हैं। एफ्लुएंट, धनी होना। फ्लरिशिंग, समृद्धि होना। वेल्दी, धनवान व्यक्ति। वेल टू डू, खुशहाल। वही प्रॉस्परस के एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं अनप्रॉस्परस, असफल होना, यानी जहां एक और कोई व्यक्ति प्रॉस्परस है, वो समृद्ध है, सफल है, खुशहाल है, वहीं उसका ऑपोजिट होता है अनप्रॉस्परस, असफल होना। पेनीलेस, दरिद्र होना। पुअर, गरीब होना। अनसक्सेसफुल, असफल। अब आपकी बारी, नीचे कमेंट में आप प्रॉस्परस वर्ड से सेंटेंस बनाकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वर्ड। अंटिल देन कीप लर्निंग, रीड लॉट ऑफ बुक्स एंड स्टे हैप्पी।